लोकसभा चुनाव 2019 की तस्वीर लगभग साफ होती नजर आ रही है, जहां पर गठबंधन और महागठबंधन या एनडीए की सीटों के बंटवारे के बाद नामों की घोषणा होने के बाद और भी तस्वीर क्लियर हो गई है। वहीं अगर देश के सबसे बड़े सूबे की बात करें तो यहां भी लगभग सीटों के ऐलान के बाद तस्वीर कुछ सीटों पर क्लियर हो गई है और कई सीटों से अभी भी पर्दा हटना बाकी है। अब हम जिस सीट की बात करेंगे वो सीट है फर्रुखाबाद की सीट, जहां पर सभी तस्वीरें साफ होती चली गई हैं। उत्तर प्रदेश की वीवीआईपी सीटों में से एक फर्रुखाबाद लोकसभा सीट भी काफी अहम है। ये इलाका सूबे के आलू उत्पादन में अव्वल माना जाता है, इसीलिए कुछ लोग इसे आलू का शहर भी कहते हैं। फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र यूपी के कानपुर मंडल का हिस्सा है। यहाँ की लोकसभा सीट पर मौजूदा समय में बीजेपी का कब्जा है, जबकि इससे पहले कांग्रेस की मनमोहन सरकार में विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद इस सीट से चुनकर संसद पहुंचे थे। ये ऐसी सीट है जहां से समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया भी जीत हासिल कर चुके हैं। अब हम थोड़ा यहां पर इतिहास की चर्चा कर लें तो अच्छा होगा, क्योंकि बगैर इतिहास जाने आप यहां का समीकरण नहीं जान पाएंगे। राजनीतिक इतिहास। आजादी के बाद 15 बार चुनाव हुए, इनमें 7 बार कांग्रेस ने चुनाव जीता। इस सीट पर 3 बार बीजेपी ने कब्जा जमाया तो 2 बार सपा और 2 बार जनता पार्टी उम्मीदवार विजयी रहा। एक एक बार जनता दल और सोशलिस्ट पार्टी को जीत मिली। पहले यह लोकसभा क्षेत्र कानपुर संसदीय सीट के तहत आता था, लेकिन मोदी लहर कहिए या मोदी की आंधी कहिए, 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकेश राजपूत 20 साल बाद फर्रुखाबाद सीट पर कमल खिला पाने में कामयाब रहे। वहां के लोगों का कहना है कि राजपूत नहीं, मोदी जी यहां से जीते हैं। चुनाव में सामाजिक ताने बाने का भी असर पड़ता है, तो अब हम आपको बताते हैं सामाजिक ताने बाने की कहानी, क्योंकि सामाजिक ताना बाना ही किसी उम्मीदवार या सीट का भविष्य तय करता है। सामाजिक ताना बाना। फर्रुखाबाद लोकसभा की कुल आबादी 23,70,591, आबादी की 80% ग्रामीण आबादी, 19.75% शहरी आबादी। इस लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा में कुल मतदाता 16,76,677, लोकसभा में 1,796 मतदान केंद्र हैं। लोकसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति की आबादी 16.11% है। लोकसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की आबादी 0.01% है। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर लोध और यादव मतदाताओं की संख्या अधिक है। इसके साथ ही साथ ब्राह्मण मतदाता काफी निर्णायक भूमिका में है, जबकि 14% मुस्लिम वोटर हैं। अब हम बताते हैं 2014 का रिजल्ट क्या रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव में फर्रुखाबाद संसदीय सीट पर 60% मतदान हुए थे। इस सीट पर बीजेपी के मुकेश राजपूत ने सपा के रमेश्वर यादव को 1,50,502 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। बीजेपी के मुकेश राजपूत को कुल 4,06,119 वोट मिले। वहीं एसपी के रमेश्वर यादव को 2,55,693 वोट मिले। बीएसपी के जयवीर सिंह को 1,14,521 वोट मिले। कांग्रेस के सलमान खुर्शीद को 95,543 वोट मिले।